शख्स मेरे साथ मौजूद हैं सर्डिनियन फ्रांसिस्को सर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। सर, मौजूदा मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा, प्रमोद सावंत जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी देखना चाहिए कि नाबालिग बच्चे इस तरीके से घर से बाहर ना निकलें। सी, नो डाउट गवर्नमेंट हैज़ टू आस्क और क्रिएट अवेयरनेस सो दीज यंगस्टर्स दे डोंट गो एट नाइट, बट इट डजंट मीन दे कैन नॉट गो। इट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू गो अबाउट एट वॉट एवर टाइम दे लाइक। दिस ओनली शोज द लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा हैज टोटली कोलैप्स और कोलैप्सिंग। आई रिमेंबर गोवा वॉज सो फेमस फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर फेमस फॉर, हम बोलते थे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई भाई, बिल्कुल सर। There was peace and tranquility. Everybody used to talk about Goa. Today we are ashamed that under this rule such things are happening. I want him to open his eyes and have a meeting of police, see that the vigilance is improved and people are free to go at any time they want. सर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेडी एंड ए जेंट इन गोवा। लेकिन सर, गोवा के लिए तो ये मशहूर है कि आप वहाँ पर दिन रात कभी भी, लोग टूरिस्ट भी आते हैं, देश के लोग भी घूमने जाते हैं, 24 घंटे घूम सकते थे, लेकिन इस तरीके का बयान उस छवि पर भी नुकसान पहुँचाएगा। नो, इसलिए बोलता हूँ मैं, वो बहुत बुरा स्टेटमेंट है। ही हैज टू अपोलोजाइज एंड ओपन हिज आईज बीइंग चीफ मिनिस्टर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट सो पीपल आर फ्री ऑफ एनी They are not scared. They are no fear to go about any time they want in the state. यानी साफ तौर पर कांग्रेसी नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जिस तरीके का बयान आया है वो शर्मनाक है, क्योंकि गोवा में बड़ी संख्या में सैलानी आते रहे हैं और जो गोवा की यही एक पहचान भी कही जाती है कि वहाँ पर लोग आते थे और 24 घंटे कभी भी जो है कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री का ये बयान निश्चित तौर पर उसको भी आघात पहुँचा रहा है और इस वजह से ऐसा माहौल बनाने की मांग की जा रही है जहां पर इस तरीके के बयान देने की जरूरत न पड़े या फिर सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।